चैनल वेरी स्मॉल। आप में से काफ़ी दोस्त कमेंट सेक्शन में बार बार कह रहे थे कि इंडिया वेज पाकिस्तान मिलिट्री पे जो कंपैरिजन जो है इस पे रिएक्ट किया जाए। तो आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कंपैरिजन वीडियो है। इसका टाइटल जो है इंडिया वेज पाकिस्तान 2024 मिलिट्री पावर कंपैरिजन है। और ये जो वीडियो है ये स्टडी शेयर चैनल है, माशाल्लाह बहुत बड़ा चैनल है इनकी वीडियो। आप इनके चैनल को जाके विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस अपलोड करते हैं। इनके चैनल को जाके ज़रूर विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो गाइस साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर नई हो जो वीडियो आने वाली है उसकी अपडेटिंग आपको मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान, इन दो पड़ोसी देशों के बीच की दुश्मनी कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ही देश अब तक 3 बार एक दूसरे के साथ फुल स्केल वॉर लड़ चुके हैं और समय समय पर इनके बीच बॉर्डर पर आए दिन गोलीबारी भी लगातार होती रहती है। ये तो एक नॉर्मल बात है, ये तो गोलीबारी जो है ना वो तो एक रूटीन वाइज हमारी बन चुकी है। पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे जो होता है ना, ये किस्म का इनका ना नोक चोक जो होती है ये तो रूटीन वाइज चलती रहती है इनकी। तो अब देखते हैं आगे, दोनों ही देशों के बीच खेले जाने वाला क्रिकेट मैच भी ये भी किसी किसी जंग जंग से कम से नहीं कम होता। नहीं होता है, जो कि स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी के तौर पर अपनी जगह बना चुका है। बिल्कुल ऐसे में जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर जंग के बादल गहराते हैं, तब एशिया सहित पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि ये सही, दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर हैं, बिल्कुल जिनके बीच एक ऑल आउट परमाणु जंग छिड़ने की संभावना सबसे सही, ज्यादा बनी हुई है। अब पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत ही बड़ा और हैवी मिलिट्री पावर रखने वाला देश है, बिल्कुल लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान ने पहले अमेरिका और अब चाइना व तुर्की जैसे देशों के दम पर भारत की हर एक चाल की काट करना सीख लिया है। सही है। भारत के लेटेस्ट फाइटर जेट्स, नेवल वारशिप्स और मिसाइलों की तरह ही पाकिस्तान भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर नए नए एडवांस वेपन्स हासिल कर ही लेता है। बिल्कुल भारत जहां अब बाहरी देशों से हथियार खरीदने के बजाय अपनी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, तो वहीं अब पाकिस्तान ने भी चीन और तुर्की के साथ मिलकर कंबाइंड तौर पर नए नए हथियारों का निर्माण करना शुरू कर दिया है। हालांकि सही, फाइनेंशियली भारत पाकिस्तान के मुकाबले काफी बेहतर पोजीशन में है, बहुत क्योंकि ज्यादा, काफी अपने नहीं डिफेंस बहुत पर ज्यादा। लगातार हैवी डिफेंस स्पेंडिंग करने में सक्षम है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्थिक हालत भले ही कमजोर हो, बिल्कुल लेकिन क्योंकि इनकी राजनीति और देश के रिसोर्सेज पर इनकी मिलिट्री का एक बहुत ही बड़ा कंट्रोल है, ऐसे में हमारे वो यहाँ ना, चाहते हमारे हैं यहाँ अपने पता है क्या डिफेंस है, पर तगड़ा खर्च। हमारा माशाल्लाह एक पाकिस्तान की इकोनॉमी बेशक 72 से 72 हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो है ना सबसे ज्यादा फोकस होता है अपनी डिफेंस पे। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमारा जो एक किस्म का बजट है ना वो 80% जो बजट है हमारा दिफा पे जाता है, डिफेंस पे जाता है, जो कि हमारी आर्मी के पास होता है और वो हमारे लिए अपनी जाने तक कुर्बान करते हैं और तो दिफा के लिए खड़े होते हैं, तो हम क्यों ना उनको सपोर्ट करें। खर्च करने से पीछे नहीं हटता है। और बिल्कुल फिर भारत का सबसे बड़ा राइवल देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो चाइना, वैसे भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के रूप में भारत का एक बड़ा राइवल तैयार करने पर तुला ही हुआ है, सही, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए चीन अरेबियन सी तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है और सही, वह पाकिस्तान को भारत के सामने इतना कमजोर नहीं पड़ने देगा कि पाकिस्तान में चल रहे उसके सीपैक प्रोजेक्ट्स के तहत किए जाने वाले हैवी इन्वेस्टमेंट्स खतरे में पड़ जाएं। लेकिन जिस तरीके से ये बात चाइना भी भारत है। के कई इलाकों में अपने मिलिट्री अग्रेशन को दिखा रहा है, इसको देखते हुए भारत ने अपने डिफेंस को चीन का मुकाबला करने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया है। सही है, तो वहीं उसी प्रकार जिस तरीके से भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने की बार बार रट लगा रहा है, इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी मिलिट्री को भारत के खिलाफ एक काउंटर अटैक करने के काबिल बनाने पर जोर दे रखा है। सही, यही वजह है कि इन दोनों ही देशों की मिलिट्रीज
साल दर साल दुनिया की सबसे ताकतवर देशों की रैंकिंग में हमेशा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज की रैंकिंग में बनी हुई है। मतलब के पहले 10 नंबरों में हमारी इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री आती है। भारत और पाकिस्तान की मिलिट्रीज के पास मौजूद करंट फायर पावर के बीच कंपैरिजन में कौन सा देश किस लेवल पर है? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स किस देश की नेवी ऑपरेट करती है, अमेरिकन नेवी या रशियन नेवी? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी मेरे ख्याल में आई थिंक चैनल को सब्सक्राइब करना ये रशिया हो सकता है। हैं दोनों ही देशों की अमेरिका भी है लेकिन सवाल काफी के आधार पर टफ है। शुरुआत मैं तो सोच के जवाब दूंगा भाई ज्योग्राफिकल साइड से। इनके कमेंट में इनके कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। 8 लाख वर्ग किलोमीटर का टोटल एरिया कवर करता है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल साइज लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। करंट पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल 3.7 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। भारत दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाले देशों में गिना जाता है। तो वहीं पाकिस्तान की करंट नॉमिनल जीडीपी करीबन 340 बिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है। डिफेंस पर खर्च की बात करें तो भारत ने साल 2023-24 के लिए अपने डिफेंस पर करीबन 75 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर दिया है और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस बजट भारत पेश करने वाला है। तो वहीं पाकिस्तान अपने डिफेंस पर करीबन 10 बिलियन डॉलर वैल्यू के लगभग खर्च कर चुका है और ये आगे भी इसके आसपास ही अपने डिफेंस पर खर्च करने वाले हैं। बिल्कुल। मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज है। इसके मुकाबले पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया की सातवीं सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है। जो आप देखें कि ये हमारे लिए तो फिर भी एक बहुत बड़ी एजाज की बात है कि हम एक इतना सा कंट्री है, हमारा इतना सा कंट्री, इतनी सी है, मतलब 142 करोड़ आवाम उनकी है और 24 करोड़ हमारी है, तो कितना फ़र्क है हमसे, वो 4-5 गुना ज़्यादा हैं, तो उसके बावजूद हम टॉप 10 में से 7वें नंबर पे आ रहे हैं और वो टॉप 10 में से 4थे नंबर पे आ रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको जो वैसे इकोनॉमी के हिसाब से, बजट के हिसाब से, उनको मेरे ख्याल में पहले से दूसरे नंबर तक महदूद होना चाहिए, ना के चौथे नंबर पे जो खड़े हैं इंडियन आर्मी जो है, क्योंकि हमसे वो 4-5 गुना ज़्यादा है, तो बजट के हिसाब से, आवाम के हिसाब से, हर चीज़ के लिहाज से ना वो हमसे ज़्यादा हैं, तो ताकत के हिसाब से भी ज़्यादा हैं, ऐसी भी बात नहीं है। उसके बावजूद हम भी माशाल्लाह इतने कोई कमज़ोर नहीं है कि इतना सा पिस्सू सा मुल्क है हमारे, हमें वो इंडिया जो है मेरे फैंस वो सुन रहे होंगे और उनको पता होगा कि इंडियन जो हैं वो पाकिस्तान को एक पिस्सू सा मुल्क कहते हैं, तो वो माशाल्लाह टॉप 10 में से 7वें नंबर पे आ रहा है। जल्द ही और भी ऊंचे पायदान पर पहुंचने वाली है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की बात करें तो इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में फिलहाल करीबन 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। इसके मुकाबले पाकिस्तान मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 6.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स अब 2-3 गुना तो यहाँ पे हमारी किस्म की कम है और उनके 3 गुना ज्यादा है। इसके बाद मैन बैटल टैंक्स की 4700 के करीब यूनिट्स इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है। पाकिस्तानी आर्मी 3800 के करीब मैन बैटल टैंक्स फिलहाल ऑपरेट करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 150 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी करीबन 800 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स का इस्तेमाल करती है। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज़्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी भी करीबन 3200 फील्ड हवेजर्स का इस्तेमाल करती है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज़्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 1800 से भी ज़्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपेरिजन, तो इस फील्ड में दोनों ही देशों की मिलिट्रीज द्वारा इस्तेमाल की फाइटर जेट्स, विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की करीबन 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं।
तो वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 1500 के करीब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट अवेलेबल है। मतलब कि हमारे पास फाइटर और एक गुना उनके पास मल्टी रोल जेट्स की डेढ़ गुना ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास 400 से भी ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। सही। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक और बॉम्बर जेट्स की महज 130 यूनिट्स ही इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 90 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से भी ज़्यादा यूनिट्स इंडिया के पास हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 130 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 164 के करीब यूनिट्स इंडिया के पास बताई जाती हैं। पाकिस्तान के पास करीबन 170 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद होने की संभावना है। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इस फील्ड में ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर्स की फिलहाल 2 यूनिट्स इंडिया के पास मौजूद हैं। इंडिया अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण कर चुका है और आगे भी नए एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण पर काम शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट दोनों ही देशों की नेवीज के पास नहीं है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। हालांकि इनके पास कुछ मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट्स हैं जिन्हें ये अपने डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। फ्रिगेट्स की टोटल 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल 9 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास 7 कॉर्वेट्स हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। पाकिस्तानी नेवी के पास 10 सबमरीन्स मौजूद हैं। इसमें काफ़ी कुछ लाइट सबमरीन्स हैं तो वहीं कुछ पुरानी फ्रेंच सबमरीन्स भी पाकिस्तानी नेवी के पास हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच इनकी मिलिट्री के पास मौजूद करंट इक्विपमेंट्स फायर पावर के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।